आरोग्य जागृति। नमस्कार, मैं डॉक्टर उन्मेष टाकळकर बोल रहा हूँ सिग्मा हॉस्पिटल से। सर्वप्रथम जागतिक आरोग्य दिन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो चल रहा है, जो कोरोना की महामारी चल रही है, उसके वजह से सबको ये शुभेच्छा की बहुत ज़रूरत है। और हर लोगों ने, जो भी दुनिया में लोग हैं, उन्होंने अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना का जो ये सेकंड वेव आया है, ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें अपने को बहुत सारे एतबार करना पड़ेगा इसके वजह से कि आपके लाइफ बच सके, क्योंकि इसमें डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, अफेक्शन ऑफ लंग काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने जो वैक्सीनेशन का ड्राइव किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिसाद देते हुए वो वैक्सीनेशन आप लेना चाहिए। और जो कोरोना का जो कोई भी सिम्टम हो, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी टेस्ट आता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा दिन अगर आप घर में रहेंगे और अपने को कोरोना नहीं ये समझ के चलेंगे, तो ट्रीटमेंट बोले तो ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, आपको भी जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि जो मरीज ने, जो लोगों ने इसको घर पे ही निकाला है और एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे को कोरोना हो सकता है, ऐसे लोगों में काफ़ी सीरियस सिम्टम्स पाए गए हैं। और लंग का जो इन्फेक्शन है वो ऑलमोस्ट 80-90% हुआ है, जिसके वजह से उनकी जान गई है। ऐसे स्थिति में अपने जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। डबल मास्क पहनो या मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ऐसा लेके ये महामारी से अपने को बाहर निकलना है। ये सब करते हुए अपना डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सिग्मा हॉस्पिटल और पूरी दुनिया में जो डॉक्टरों की टीम है, इसके पीछे लगे हुए हैं कि ये डेथ रेट कैसा कम किया जाए। इसमें आपका भी सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेथ रेट कम करने के लिए अगर इन्वॉल्वमेंट जो है वो 25 में से 23 है, 40 में से 35 है, ऐसे स्टेज में अगर पेशेंट आता है, तो हम लोग भी उसको बचा नहीं पाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे गया हुआ होता है। तो ऐसे इसमें भी काफ़ी हमको भी दिक्कत आती है, फिर भी हम उसको कोशिश करते हैं बचाने की। इसमें से 10 में से 5-6 लोग बचते हैं, लेकिन 4 को हम बचा नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे स्थिति में आपको मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसा भी आपको कोरोना का सिम्टम लगे या कौन सा भी सिम्टम लगे, ऐसा नहीं है कि कोरोना का सिम्टम कौन से भी सिम्टम से कोरोना डिटेक्ट हो सकता है। जो लूज मोशंस हो, वॉमिटिंग हो, वीकनेस हो, बुखार हो, खांसी हो, कुछ कुछ सिम्टम आँखों के भी है, कुछ सिम्टम्स फिर सिर्फ वीकनेस है, किसी को सिर्फ भूख ही नहीं लगती, किसी को ये, ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स है जो कोरोना के हो सकते हैं। तो इसमें कोरोना रूल आउट करना चाहिए, और जैसा ही रूल आउट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है और पॉजिटिव आया, तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी ले लीजिए। अच्छे सारे इंजेक्शंस आज दुनिया में अवेलेबल है, जिसमें से कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है और उसमें से छुटकारा भी अपन पा सकते हैं। सो आपको सभी को फिर एक बार जागतिक आरोग्य दिन की शुभेच्छा, और सभी को कोरोना से मुक्ति मिले, यही प्रार्थना करते हुए धन्यवाद। आरोग्य जागृति।